In this video, we will discuss multiple choice question related to the chapter optics. The portion is from general science for the competitive examination. Question number 1. When the distance between the object and the plane mirror increases. Jab kabhi distance jo hai object aur ek plane mirror mein increase hota hai, us samay kya hota hai? Option 4 diye gaye hai. The image remains same. Kya image same rehti hai jab distance ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच में बढ़ाया जाता है. द साइज ऑफ द इमेज विल बिकम लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्या ऐसा होता है? या डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द प्लेन मिरर इज आल्सो इंक्रीजेस. तो क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द इमेज एंड द प्लेन मिरर वो भी इंक्रीज होता है. जब कभी हम डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर में जो है वो बढ़ा देते हैं, जो डिस्टेंस होता है, जो इमेज का जो डिस्टेंस बनता है मिरर में और जो प्लेन मिरर का जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो भी बढ़ जाता है. तो ऑप्शन जो सी होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 2. इन लेटरल इन्वर्शन, लेटरल इन्वर्शन में क्या होता है? राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी द राइट साइड ऑफ इमेज. क्या जो राइट साइड जो ऑब्जेक्ट का होगा वही इमेज में हमको राइट साइड दिखेगा, या लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट का होगा क्या वही हमें इमेज में लेफ्ट साइड दिखेगा, या अपसाइड जो ऑब्जेक्ट का होगा विल बी द डाउन, जो अपसाइड होता है क्या वो हमें डाउन में दिखेगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा. जो राइट साइड होगा वो लेफ्ट साइड में हमें इमेज में दिखेगा. राइट साइड जो होगा ऑब्जेक्ट का विल बी द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज. राइट साइड जो होगा वो इमेज में लेफ्ट साइड दिखेगा, और जो लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट का होगा वो हमें राइट साइड में दिखेगा. क्वेश्चन नंबर 3 है. द सन इज सीन बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ. जो सन है, अगर सन जो होता है वो सनराइज जब हो रहा होता है उससे पहले ही हमें थोड़ी देर पहले ही हमें दिखना शुरू हो जाता है, या सनसेट के वक्त भी यही फिनोमेनन होता है. सनसेट हो जाता है फिर भी हमें थोड़ी देर तक जो है वो सन दिखता रहता है. तो ये जो फिनोमेना है ये किस वजह से होता है? ठीक है, ये जो फिनोमेना है ये किस वजह से होता है? तो ये फिनोमेना होता है रिफ्रैक्शन की वजह से. किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. तो रिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे जब अपने वीडियोस में, तब हम अच्छे से इसे एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली. जो भी जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, ठीक है, वो भी एक रिफ्रैक्शन फिनोमेना है. सन जो होता है वो विजिबल होता है टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले हमें दिखता है, और 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और सनसेट के भी 2 मिनट बाहर. ये भी सारे किस वजह से होते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं. तो रिफ्रैक्शन होता क्या है ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. जब कभी रे ऑफ लाइट जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो इट बेंड्स. तो रे ऑफ लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ. व्हेन गोज फ्रॉम रेयर टू द डेंसर मीडियम एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन केस व्हेन गोज फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम. तो जब नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही होती है लाइट, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ बेंड होती है कब? जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आती है. इसी फिनोम को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. तो हम कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे जिनमें आपके सेनल्स ला आते हैं. चलिए वो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अभी तो हम फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही डिस्कस करें. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका. बटर पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ. ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? मतलब हमारा कहने का जो ऑप्शन हमारे पास दिए है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है या ल्यूमिनस. तो ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो बी होगा. ट्रांसलूसेंट की एग्जांपल होती है. तो बेसिक्स है ट्रांसपेरेंट क्या होता है आपको पता होगा, जिसमें से लाइट जो है वो पास हो सकती है. ओपेक क्या होता है, ठीक है, जिसमें से लाइट जो है वो पास नहीं होती. और इसी तरीके से हमारा जो एक है ट्रांसलूसेंट होता है. ट्रांसलूसेंट क्या करता है? अलो करता है ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट, सिर्फ थोड़ी सी पार्ट जो है लाइट की वो पास करता है थ्रू इट. वी कैन नॉट सी डायरेक्ट डिस्टिंक्टली फ्रॉम देम. यहाँ से हम बिल्कुल विजिबल नहीं होता है, जैसे कि हमारा कोई ग्रीस्ड ऑब्जेक्ट है या पेपर पैराफिन वैक्स है. ये भी इसकी एग्जाम्पल आएगी. ट्रांसपेरेंट की एग्जाम्पल जैसे कि ग्लास है, वाटर है, ईयर है, दोज विच अलो मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम. इसी तरीके से ओपेक होते हैं डेट डू नॉट अलो एनी लाइट टू पास थ्रू इट. उसकी एग्जाम्पल ले सकते हो आप कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारे पास ट्रीज है, रबड़ है, स्टोन है, डेस्क है, बुक्स है, वुड है,
तो ये हमारे ओपेक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई इंप्लाइज नंबर 1 कंट्रोल इंटेंसिटी, प्रिवेंशन प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चेंज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑल ऑफ दैपो। करेक्ट ऑप्शन इज चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई इंप्लाइज चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई की जो है फोकल लेंथ जो है वो चेंज की जाती है, उसी को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ आई प्रोटेक्ट द आई एंड गिव्स इट शेप। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ आई प्रोटेक्ट द आई एंड गिव इट शेप। तो वो आई का कौन सा पार्ट है? आई, ह्यूमन आई के बारे में कंप्लीट वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। पूरे की पूरी जो भी लेयर्स होती है आई की, उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा सिक्लेरिया, जो कि वाइट पार्ट होता है, ये क्या करता है आई को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पहले तो आई को प्रोटेक्ट करता है और इसको शेप भी देता है। द ह्यूमन आई, क्वेश्चन नंबर 7 है, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई जो है वो इमेज बनाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इमेज बनाती है आई के किस पार्ट में बनाती है? रेटिना पे बनाती है। तो ये कॉमनली सा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है, एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो यूजली पूछा जाता है। तो ह्यूमन आई जो है वो इमेज जो बनाती है कहाँ पर बनाती है? रेटिना पे बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8, रेनबो इज कॉज ड्यू टू, रेनबो किस वजह से होता है? रेनबो जो आप देखते हो, रेनबो जो होता है आसमान पर रेनबो बनता है, वो किस वजह से बनता है? वो डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बनता है, डिस्पर्शन जो होती है सनलाइट की फ्रॉम द वाटर ड्रॉप, इस वजह से बनता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो होगा आपका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, डिस्पर्शन की वजह से बनता है रेनबो। तो रेनबो जो होता है ये क्या होता है? एक स्पेक्ट्रम होता है व्हाइट लाइट का फ्रॉम द सन। ठीक है, दिस इज अ फिनोमेना ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट। तो इसमें कंबाइन एक्शन होता है किस किस का? डिस्पर्शन का, रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का। हमारे पास दो टाइप्स के रेनबो होते हैं, एक तो प्राइमरी रेनबो होता है, एक सेकेंडरी रेनबो होता है। बट वो जो टॉपिक पढ़ेंगे तभी हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम जानते हैं ये कंबाइंड इफेक्ट होता है तीनों का, बट हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए थे, पहला दिया था रिफ्लेक्शन। जी हाँ बिल्कुल, रिफ्लेक्शन की वजह से भी होता है सनलाइट की, फ्रॉम एयर पार्टिकल्स नहीं होता है, फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। ठीक है, तो ये वाटर ड्रॉप जो है ये यहाँ से जो आपका पॉइंट जो है यहाँ से निकलता है। लास्ट वाले में भी दिया गया है फ्रॉम वाटर ड्रॉप, बट वहाँ पर डिफ्रेक्शन दिया है, डिफ्रेक्शन की वजह से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज। विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस कलर की होती है? तो सिंपल सा है, वायलेट का जो होती है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। जनरली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो याद रख सकते हैं, वो वायलेट कलर की जो होती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इंटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज ड्यू टू द, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब भी कभी एक प्रिज्म हमने रखा है और प्रिज्म पे वाइट लाइट पड़ती है, वाइट लाइट समझ लिए आप सनलाइट जो है एक प्रिज्म पे पड़ती है, और प्रिज्म पे पड़ने के बाद जो है वो लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है बहुत से कलर्स में। जनरली आप द्विभाजक के बारे में जानते ही होंगे कि वो क्या हो जाता है, प्रिज्म पे जब लाइट पड़ती है, जो भी लाइट प्रिज्म पे पड़ती है उसके बाद रिफ्रैक्शन हो जाती है लाइट की। रिफ्रैक्शन की वजह से वो बहुत से पार्ट में स्प्लिट हो जाती है लाइट 7 कलर्स में, जिन्हें हम द्विभाजक कहते हैं। तो द्विभाजक जो बनता है वो 7 कलर, उन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये भी आप याद रख लेना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रिफ्रैक्शन होगा। व्हेन अ वाइट रे और सनलाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म, इट ब्रेक्स इंटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिन्हें द्विभाजक से याद रखा जाता है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। ये जो फिनोमिना होता है इसे डिस्पर्शन ऑफ द लाइट कहा जाता है, और ये जो बैंड है 7 डिफरेंट कलर्स का, इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इनमें जो भी डेविएशन होती है वो मैक्सिमम होती है फॉर वायलेट कलर और लीस्ट होती है फॉर रेड कलर।
तो ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एट सनराइज और एट सनसेट द सन अपीयर्स टू बी रेडिश वाइट रेडिश व्हाइल एट मिड डे इट लुक्स वाइट दिस इज ड्यू टू द। देखिए सनराइज के वक्त और सनसेट के वक्त जो सन होता है वो हमें रेडिश लगता है, ठीक है, रेड रेड कलर का लगता है, ऑरेंज रेड सा कलर उसका हो जाता है। बट अगर हम मिड डे में देखेंगे पूरा का पूरा हमें वाइट दिखता है। ये क्यों होता है? ये होता है स्कैटरिंग की वजह से। स्कैटरिंग ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल एंड एयर मॉलिक्यूल कॉजेस दिस फिनोमेना। ये जो फिनोमेना होता है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। स्कैटरिंग होती है डस्ट पार्टिकल्स की, एयर मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से ये फिनोमेना होता है। अ पर्सन, क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली विच आर नियरर देन 75 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज दिस डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास दिया गया है आई की डिजीज से क्वेश्चन है। इस डिजीज को क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है? इफ द आई बाल इज टू शॉर्ट और द लेंस टू फ्लैट और इनफ्लेक्सिबल द लाइट एंटर्स द आई। जो लाइट जो है वो फिर एंटर कर लेती है आई में। पार्टिकली दोज फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट विल नॉट बी ब्रॉट टू द फोकस बाय द टाइम दे स्ट्राइक द रेटिना। आई ग्लासेज विथ कन्वेक्स लेंस कैन कोरेक्ट द प्रॉब्लम। फार साइटेडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइपरमेट्रोपिया। तो आई जब पढ़ाया था आई के बारे में, मायोपिया, हाइपर मायोपिया एस्टिमेशन, ये सारी जो है आई की डिजीज जो है वो अच्छे से डिस्कस की गई थी। फार सी, क्वेश्चन 13, फॉर सींग अ क्रिकेट मैच वी प्रेफर बाइनोकुलर्स टू बी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बिकॉज। क्रिकेट मैच अगर हम देखना चाहते हैं हम बाइनोकुलर को प्रेफर करते हैं देन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। बाइनोकुलर गिव द थ्री डायमेंशनल व्यू, बिल्कुल करेक्ट है। बाइनोकुलर जो होते हैं वो हमें थ्री डायमेंशनल व्यू देते हैं। यही वजह है कि हम बाइनोकुलर्स को प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्पर्शन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब। डिस्पर्शन एक टर्म है जो जिसे हम इस्तेमाल करते हैं क्या चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज यूज टू डिस्क्राइब द स्प्लिटिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर। तो डिस्पर्शन ऑफ द लाइट जो है अभी एक्सप्लेन किया था कि कैसे प्रिज्म से लाइट जो है स्ट्राइक करने के बाद रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है और लाइट जो है डिस्पर्शन लाइट की जो डिस्पर्शन हो जाती है और लाइट जो है 7 डिफरेंट कलर में जिन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं उनमें जो है लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। डिस्पर्शन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द स्प्लिटिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इन टू कॉम्पोनेंट कलर्स। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर टेली कम्युनिकेशन थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कुछ स्टेटमेंटें दी गई है रिलेटेड टू द टेली कम्युनिकेशन थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर एंड वी हैव टू फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें से तीन स्टेटमेंटें ट्रू होगी, चार ऑप्शन जो दिए गए हैं एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जो ट्रू नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। ऑप्टिकल फाइबर आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिलेटेड टू द टेली कम्युनिकेशन थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ऑप्टिकल फाइबर कैन बी ऑफ ग्रेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल फाइबर हैव एक्सट्रीमली लो ट्रांसमिशन लॉस, ऑप्टिकल फाइबर मे हैव होमोजीनियस कोर विद अ सूटेबल क्लैडिंग। क्वेश्चन नंबर 16, अ मैरिज अकर्स बिकॉज मैरिज का फिनोमिना है। ये फिनोमिना जो होता है ये क्यों होता है, किस वजह से होता है? नंबर फर्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस विद हाइट। बिल्कुल करेक्ट है, जो मैरिज का फिनोमिना होता है इट अकर्स बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एटमॉस्फेयर का है वो इंक्रीज होता है विद हाइट। क्वेश्चन नंबर 18,
A well cut diamond appears bright because अगर हम एक diamond है हम उसे cut करते हैं, ठीक है, तो उस कट करने के बाद जो डायमंड है वो ब्राइट दिखता है, क्यों? ठीक है, इसमें कौन सा वो फिनोमिना होता है जिसकी वजह से वो ब्राइट दिखता है? तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो हमारे बहुत से फिनोमिना है इसमें ऑप्टिक्स चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे सारे के सारे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी एक फिनोमिना है जिसकी वजह से ये होता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए, When the object is placed in an optically denser medium, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम denser medium में, and if the incident angle is greater than the critical angle, अगर incident angle जो है वो greater है critical angle से, then the ray of light get reflected back to the original medium, ठीक है? अगर incident angle जो है वो greater है critical angle से, तो उस समय क्या होता है, जो इंसिडेंट लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो वापस ओरिजिनल मीडियम में चली जाती है। यही फिनोमिना होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ऑन अकाउंट ऑफ, ट्विंकलिंग जो होती है स्टार की, ट्विंकलिंग इज ऑन अकाउंट ऑफ, ऑप्शन ए लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार एंड स्टॉर्म्स इन ईयर। ये कोई भी है इलॉजिकल सी बात है, लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड स्टॉर्म्स इन ईयर। लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार तो होता है, बट स्टॉर्म्स जो होते हैं ईयर के, इस ये जो है इलॉजिकल सी बात है, इसकी वजह से ट्विंकलिंग नहीं होती। स्मॉल साइज ऑफ स्टार्स, साइज जो है स्टार्स का स्मॉल, या लार्ज साइज, साइज जो है उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता ट्विंकलिंग पे। होती जो है ट्विंकलिंग डेंसिटी की वजह से होती है। एक तो लार्ज डिस्टेंस जो स्टार का है वो तो है ही है, लार्ज डिस्टेंस जो होता है स्टार का ये, एंड द फ्लक्चुएशन इन द डेंसिटी ऑफ ईयर, ईयर की जो डेंसिटी में जो फ्लक्चुएशन होती है इसकी वजह से ट्विंकलिंग होती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ट्विंकलिंग होती है स्टार की इज एन अकाउंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस ऑफ द स्टार एंड फ्लक्चुएशन इन द डेंसिटी ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 20, ए कॉइन इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर अपीयरेस्ट, अगर हम एक बीकर में कॉइन डालते हैं, हमें क्या लगता है, बीकर में जो कॉइन है वो लगता है अपने लेवल से जो है वो ऊपर लगता है, रेज लगता है उसका लेवल, जो कॉइन का है वो रेज लगता है। ये जो फिनोमिना होता है ये किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ए कॉइन इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर अपीयर्स रेज्ड, दिस फिनोमिना अकर बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए इस चैप्टर से रिलेटेड, ऑप्टिक्स चैप्टर से। नेक्स्ट पार्ट जो होगा ऑप्टिक्स चैप्टर में, उसमें भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जनरली जो फिनोमिना से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो होंगे सारे, ठीक है, जैसे कि मिरर से रिलेटेड जो होंगे, सोप बबल से रिलेटेड होंगे, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड होंगे, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इसमें नेक्स्ट पार्ट में जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। 40 क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, हम रिप्लाई भी करेंगे उस डाउट का। हमारे फेसबुक पेज से और यूट्यूब के चैनल से ज़रूर जुड़िए, लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।